वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इस चैप्टर का आखिरी दिन है। दिस इज द लास्ट डे फॉर दिस चैप्टर एंड वी विल एंड दिस चैप्टर बाय डूइंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन है, In the following potentiometer circuit, AB is a uniform wire of length 1 meter. AB is a uniform wire of length 1 meter. And resistance 10 ohm. Calculate the potential gradient along the wire. Calculate the potential gradient, that is phi, and balancing length AO. Balancing length AO. और सर्किट आपको ऐसा दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ देखिए। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। ये वायर की टोटल आपको लेंथ दी हुई है और इसके साथ स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का आपको दिया हुआ है 1.2 ओम, बैटरी 1.5 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस जो है ये 0.3 ओम का है। करंट स्टूडेंट इसमें आई नोट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर। ये आपका वायर जो है दैट इज ए बी और ये है आपका नल पॉइंट। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कहीं नल पॉइंट मिल रहा है और ये लेंथ है AO। ओके, यहाँ पे इसकी वोल्टेज दे रखी है स्टूडेंट्स 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस है ये 15 ओम। देखिए ये सर्किट आपको दिया हुआ है, लेट्स से हम मान लेते हैं ये लेंथ L1 है, पूरी कितनी दे रखी है स्टूडेंट AB 1 मीटर आपको दी हुई है। ओके, तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल का कितना ड्रॉप होगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, इस एक्सटर्नल सर्किट में क्या आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, क्या आप निकाल सकते हैं ये आई की वैल्यू? बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ये 15 ओम रेजिस्टेंस और ये जो वायर है ए बी, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे और इनका जब सम कर लोगे आप वो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप वोल्टेज से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं तो करंट आ जाएगा। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि क्या ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो इस करंट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं देगा? नहीं, क्योंकि ये बैलेंसिंग लेंथ है स्टूडेंट्स। बैलेंसिंग लेंथ में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में अपना करंट फ्लो करता रहेगा और इस सर्किट में अपना करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस आर्म से कोई एक्सचेंज नहीं होगा करंट का, कोई करंट यहां से आ नहीं जाएगा क्योंकि वो बैलेंसिंग लेंथ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। पोटेंशियल अक्रॉस दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स, ठीक है? तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस की बात कर रहे हैं हम। तो आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये करंट निकाल लेता हूं। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट करंट। देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, जो बाहर से आपने बैटरी लगा रखी है उसकी वोल्टेज, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स इस वोल्टेज को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस से। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ये वायर स्टूडेंट है ए से लेके बी तक 1 मीटर का वायर है, मैं मान लेता हूं कि इसका रेजिस्टेंस है आर ए बी, मैंने ये अज्यूम कर लिया। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सारी चीजें लिख के आनी है, आपको बताना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर इज आर ए बी
and total resistance is RAB plus 15 ohm, and current drawn from this cell or this battery is 2 by 15 plus RAB using Ohm's law. ये कहाँ से लिखा student हमने? Ohm's law से लिखा है, V is equal to IR से. Okay, तो ये आ गया student current. अब देखिए, current अगर AB से इतना flow कर रहा है, I current ही जाएगा, मैंने कहा है, ये दोनों आपस में कोई take part नहीं, इनका कोई role play नहीं होगा, एक दूसरे से current exchange नहीं करेंगे. तो अगर current AB wire से I flow कर रहा है, तो AB वायर पे कितना ड्रॉप होगा स्टूडेंट्स? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज इक्वल टू, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते थे स्टूडेंट हम? V इज इक्वल टू IR से. तो कितना आ जाएगा ड्रॉप? I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है? RAB. तो ये आ गया स्टूडेंट 2 बाय 15 प्लस RAB into RAB. और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट RAB की वैल्यू. RAB is 10 ohm, that is the resistance of this wire is 10 ohm. तो मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं, देखिए 2 by 15 plus 10 25 into 10, that is 20 by 25 and that is 4 by 5 0.8. okay, 0.8 volt is the potential drop across AB. तो ये जो 2 volt है उसमें से 0.8 volt जो है students यहाँ पे drop हो गया, बाकी का जो है वो 15 ohm पे drop हो जाएगा. अब देखिए, लेकिन ये हमारा answer नहीं होगा, हमें question में पूछा था phi होता है potential drop per unit length. I can write this as, so potential drop for 1 meter length is 0.8 volt. तो potential drop 1 meter length के लिए कितना है student? 0.8 volt. तो यहां से phi की value आ जाएगी 0.8 volt per meter. तो इसका मतलब student, क्योंकि length 1 meter ही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया है? ये potential gradient आ गया. Potential gradient is potential per unit length. तो मैंने इस length को, length कितनी दी हुई थी? 1 meter. तो पूरी लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया पोटेंशियल ड्रॉप से, तो हमारा 0.8 वोल्ट पर मीटर हमारा फाई आ गया. तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा. इजी, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको पहले के जो आपको मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे वही कंसेप्ट लगाने हैं. आपको इसमें करंट निकालना था, आई निकाल लिया, करंट निकालने के बाद आपने ड्रॉप निकालना है. पोटेंशियल ड्रॉप अगर वायर के ऊपर आ गया तो वायर की लेंथ से उस पोटेंशियल ड्रॉप को डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा फाई का, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. अब देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा हुआ है बैलेंसिंग लेंथ AO. अब इसमें मजा आएगा निकालने में. देखिए AO कैसे निकालेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट, जो रिजल्ट है हमारा वो लिख लेते हैं बस. रिजल्ट है आपका 0.8 वोल्ट पर मीटर, ये फाई की वैल्यू आई है. देखिए स्टूडेंट, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये जो है बैलेंसिंग लेंथ तब मिलेगी जब इन दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, या फिर आप कह सकते हो वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AO. ओके, अगर दोनों वोल्टेजेस बराबर होंगी तभी नल पॉइंट मिलेगा, तभी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. सो फॉर नल पॉइंट वोल्टेज अक्रॉस, देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज आपको लिखना चाहिए इसको, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 1.5 वोल्ट सेल is equal to potential drop across L1 length. देखिए बहुत सिंपल सी बात रखी है मैंने कि इस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगी, जो टर्मिनल वोल्टेज होगी इस इन दो पॉइंट के अक्रॉस, वो वोल्टेज स्टूडेंट L1 लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, दैट इज VAO, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AO लेंथ, उसको बराबर होना चाहिए. उन दोनों को बराबर होने के लिए मैं लिख देता हूं फाई इंटू L1,
देखिए फाई है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो एल वन लेंथ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, फाई इंटू एल वन, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया एओ के ऊपर। दिस मस्ट बी इक्वल टू, मैं मान लेता हूं टर्मिनल वोल्टेज इसकी कितनी है वी, जिसको हम अभी निकाल लेंगे। ओके तो देखिए अब वी कैलकुलेट करते हैं कितना इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होगी वो निकालते हैं। देखिए फाई की वैल्यू हमारे पास आई है 0.8 वोल्ट पर मीटर, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। देखिए अब हम निकालते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स हम, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। ई एम एफ आपको दिया हुआ है 1.5, आई आपको निकालना पड़ेगा फिर से। आप देखिए इसमें करंट कितना है, आई नोट है, तो बेटर मैं आई नोट यूज करता हूं। सो आई नोट इज नथिंग बट दिस ई एम एफ 1.5 डिवाइड बाय ई एम एफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज 1.2 प्लस 0.3, दैट इज 1.5। तो ये 1 एम्पेयर आ गया स्टूडेंट्स, 1.5 डिवाइड बाय 1.5 1 एम्पेयर आ गया। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, दिस इंप्लाइज V is equal to E, that is 1.5 minus I note, I note is 1 into small r, that is 1.2। तो 1.5 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट इसका मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है इस सेल के अक्रॉस वो आएगी 0.3 वोल्ट। अब उसकी वैल्यू यहां पे डाल दो, फाई की वैल्यू डाल दो, L1 आ जाएगा। देखिए फाई की वैल्यू है 0.8 इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू है 0.3। सो दिस इंप्लाइज एल वन कम्स आउट टू बी 0.3 बाय 0.8 और 3/8। सो दिस इज 3/8 मीटर। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट, मेरे पास जगह कम है, मैं यहां पे लिख देता हूं एल वन इज इक्वल टू 3/8 मीटर और 300/8 सेंटीमीटर। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो दिस इज 3737.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसकी दोनों आंसर मैंने निकाल दिए, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आई 0.8 एंड द बैलेंसिंग लेंथ मस्ट बी 37.5 सेंटीमीटर। 37.5 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको आप बार बार समझिए, ये आपको इस पूरे कंसेप्ट को समझने में बहुत मदद करेगा। ओके देखिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में पिछले सालों में आ चुका है। टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर separately। देखिए डायग्राम दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर का, ये एक्सटर्नल सेल है सपोज ई और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, दिस इज आर, की लगी हुई है यहाँ पे, दिस की इज के वन एंड ओवर हेयर ये एक और सेल है, इसको हमने S मान लिया, ये सपोज स्टूडेंट E1 है, ये E2 है और यहाँ पे स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर और ये फिर जोकी, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, ये की K2 है। आपको पूछा है हाउ विल द नल पॉइंट gets affected if first part of question का x increases the value of r keeping k1 closed and k2 open। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट वाई डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस,
y decreases, the value of resistance S while K2 remains open and K1 closed. While K2 open and K1 closed. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है ये. इसमें आपको दिया हुआ है कि दो ये सेल लगे हुए हैं, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस S लगा हुआ है, K2 की और K1 की से जोड़ा हुआ है. दो स्टूडेंट हैं X और Y, वो सेपरेटली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. आपको बताना है कि अगर X R की वैल्यू को बढ़ाता है, R की वैल्यू को अगर वो बढ़ाता है इस की को, K1 को क्लोज करके K2 को ओपन करके, इसको ओपन रखा है मतलब इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, ये ओपन सर्किट है और इसको क्लोज कर दिया है, तो बताइए नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा. तो देखते हैं स्टूडेंट, देखिए आपको पता है स्टूडेंट phi जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ से निकालते हैं. और पोटेंशियल ड्रॉप जो है, लेंथ तो इसकी एक जैसी रहेगी, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो है स्टूडेंट वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज एंड दीज रेजिस्टेंसेस. मैं अगर इस वायर का, अगर इसके नाम दे देता हूँ ए बी और इसका रेजिस्टेंस आर ए बी मान लेता हूँ, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई वन बाय आर प्लस आर ए बी इंटू आर ए बी डिवाइड बाय दिस लेंथ एल. देखिए कहाँ से आएगा ये जो होगा स्टूडेंट, ये तो होगा करंट. सबसे पहले हम जैसे लास्ट पार्ट में, अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको उसमें ऐसे ही किया था हमने, सबसे पहले इसमें जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में वो हम निकाल लेंगे. करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज को आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो. मैंने टोटल वोल्टेज को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना था. तो ये स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. और अगर करंट हमें मिल गया है तो करंट को मैं इस रेजिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस पूरे वायर के ऊपर जो ड्रॉप है पोटेंशियल का वो मिल जाएगा. तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे पूरी तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा. तो स्टूडेंट अगर आप R की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इस R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और आपका phi भी कम हो जाएगा, phi विल ऑल्सो डिक्रीज. तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है वो अब कम हो गया, ओके. लेकिन ये जो है, ये वाला सर्किट जो है ये तो ओपन है. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसने K1 को क्लोज किया है, K2 को ओपन रखा है, तो ये सर्किट तो ओपन ही रहेगा. तो केवल यहाँ पे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है वो तो ईएमएफ के बराबर है E2, और उसको कांस्टेंट रहना है, तो E2 जितना है वो उतना ही रहेगा. लेकिन phi की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, अब phi की वैल्यू कम हो चुकी है. तो अगर phi की वैल्यू कम हो गई स्टूडेंट्स तो सेम ईएमएफ डेवलप करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि देखिए ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ E2 इज इक्वल टू phi इनटू दैट लेंथ सपोज L1. तो अगर ये कम हो गया स्टूडेंट, सेम ईएमएफ रखने के लिए लेंथ को ज्यादा होना पड़ेगा. सो दैट मींस द नल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो आपको पता चल गया स्टूडेंट, द नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स B और दिस बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज. तो बैलेंसिंग लेंथ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी, अब ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ होगी सेम पोटेंशियल ड्रॉप बनाने के लिए, E2 डेवलप करने के लिए. तो हमारा नल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर आप इस रेजिस्टेंस R को बढ़ा देते हैं तो, ओके. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट. अब देखिए दूसरा पार्ट है, वाई जो स्टूडेंट है वो डिक्रीज करता है एस की वैल्यू को, एस की वैल्यू को वो कम करता है, लेकिन
K2 को उसने ओपन रखा और K1 को क्लोज रखा, तो मुझे एक बात बताओ, जब K2 ओपन है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि सर्किट तो ओपन है। ओपन है इसका मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है वहां पे S का, तो आप इसको घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। केवल आपको जो टर्मिनल वोल्टेज मिलनी है वो EMF के बराबर ही होगी, क्योंकि और कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, अगर आप एस को यहाँ पे डिक्रीज भी कर देते हो, क्योंकि के टू ओपन है, सो इट विल नॉट अफेक्ट द सर्किट, और यू कैन से द नल पॉइंट रिमेन्स एट इट्स पोजिशन। नल पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा स्टूडेंट, नो चेंज इन नल पॉइंट। नल पॉइंट पे कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सर्किट ओपन है और एस को घटाने बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अ रेजिस्टेंस आर ड्रॉज करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर। ये एक रेजिस्टेंस आर है और ये आपको पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक वोल्टेज वी के क्रॉस कनेक्ट किया गया है। इस वायर ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो आपको आर नोट दिया हुआ है, और इस पोटेंशियोमीटर से इस आर के अंदर एक करंट जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंट की कंडीशन ना देते हुए आपको दिया हुआ है, इट इज ड्रॉइंग सम करंट, मतलब इस सर्किट में से कुछ करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो इस बार आपको करंट जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। देखेंगे, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वायर ए बी है रेजिस्टेंस आर नोट, ए बी का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर नोट। अब वोल्टेज वी इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, वी वोल्टेज इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर, आपको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है आर के अक्रॉस उसका एक्सप्रेशन निकालना है। When the sliding contact is in the middle, जब ये जो contact है student, ये बिल्कुल इसके middle में आ जाए। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, let's say ये point कौन सा है, C point है। तो देखिए students, मुझे इसके across potential का drop निकालना है। तो उसके पहले मुझे इसमें से current निकालना पड़ेगा, क्योंकि current अगर एक बार मुझे मिल गया तो I into R is our answer। तो देखिए, मैं मान लेता हूं, सपोज यहां पे आई करंट आया था, टोटल आई करंट में से आई नोट यहां पे चला गया इस वायर में, और यहां पे आ गया आई माइनस आई नोट, इसमें आ गया स्टूडेंट आई माइनस आई नोट। ये कैसे किया स्टूडेंट्स? मैंने किरकॉफ्स जंक्शन रूल या फिर किरकॉफ्स करंट रूल अप्लाई करके, क्योंकि यहां पे इस जंक्शन पे, ये जंक्शन कौन सा है, ए, ए पे करंट आई आ रहा था, आई नोट अगर इधर चला गया तो स्टूडेंट आई माइनस आई नोट इधर जाना पड़ेगा। सबका सम, जितना भी टोटल इनकमिंग करंट है वो किसके बराबर होगा, टोटल आउटगोइंग करंट के। तो मैंने इस तरीके से इनको डिवाइड कर लिया। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बना सकते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम में आप क्या करेंगे, देखिए, वोल्टेज जो वी है ये रेजिस्टेंस आर नोट पूरी लेंथ के लिए स्टूडेंट, ए बी के लिए, लेकिन ये जो सी पॉइंट है ये एग्जैक्टली उसके मिडल में है। तो इसका मतलब इधर जो है हाफ लेंथ होगी इसकी, आधी लेंथ इधर है, आधी लेंथ इधर है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इसका मतलब पूरे आर नोट में से ए सी पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो होगा आर नोट बाई टू, और सी बी पार्ट का भी कितना होगा, आर नोट बाई टू। तो इसका स्टूडेंट कितना है रेजिस्टेंस, आर नोट बाई टू, ऐसे ही इसका भी आर नोट बाई टू होगा, और यहां से आपका ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ओके, अब देखिए इनका इक्विवेलेंट जो होगा स्टूडेंट्स, आर और आर नोट बाई टू का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। दिस इंप्लाइज वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस सर्किट एज वी, ये आर नोट बाई टू और आर का पैरेलल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए पैरेलल में इनका होगा आर इंटू आर नोट बाई टू बाई आर प्लस आर नोट बाई टू। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो टू आर नीचे आएगा, टू से टू फिर कैंसिल हो जाएगा, सो आर इंटू आर नोट टू आर प्लस आर नोट, तो ये स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा प्लस आर नोट बाई टू। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया
R into R naught divided by 2R plus R naught plus R naught by 2. तो ये equivalent resistance है student जिसके across voltage V naught लगी हुई है. तो आप यहाँ से current I निकाल सकते हैं. सबसे पहले काम आपने क्या किया, current I निकाल लिया equivalent resistance की मदद से. I आ जाएगा देखिए V by V naught by R R naught by 2R plus R naught प्लस आर नोट बाय टू. ये आ गया स्टूडेंट करंट आई. अब देखिए अगर आई आ गया है तो आप इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, आर नोट बाय टू और आर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि इसमें से करंट आई अगर जा रहा है और इसमें से करंट अगर आई नोट जा रहा है स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई नोट के बराबर. ओके तो अगर आप स्टूडेंट्स आई नोट निकाल लेते हैं किसी तरीके से तो आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी. ओके तो हम एक काम करते हैं, मैं इस चीज का यूज करता हूं यहाँ पे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू आई नोट इंटू आर नोट बाई टू मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू आई माइनस आई नोट. ओके तो यहां से स्टूडेंट सोल्व करके आप आई नोट निकाल सकते हैं. दिस इंप्लाइज देखिए ये आई नोट जो है इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये. सो आई नोट इंटू आर प्लस आर नोट बाय टू. देखिए ये जो है माइनस आई नोट था ना आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसको उठा के इधर ले आया मैं, तो ये हो जाएगा आई नोट आर नोट बाय टू प्लस आर इज इक्वल टू आर इंटू आई. ओके इसको फर्दर सोल्व करने पे आपको आई नोट की वैल्यू मिल जाएगी. मैं इसको रब कर देता हूं. देखिए सो आई नोट इज इक्वल टू आर आई बाय आर प्लस आर नोट बाय टू. तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास करंट आई नोट. और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जो हमें आंसर है हमारा, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, इस आर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो ड्रॉप किसके बराबर है, आर इंटू आई माइनस आई नॉट. लेकिन जो ड्रॉप इसके अक्रॉस है वही ड्रॉप तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है स्टूडेंट. सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज इक्वल टू this drop and that is I naught into R naught by 2. यहां से भी आप देख सकते हैं R into I minus I naught किसके बराबर है, I naught into R naught by 2. तो ये करने की बजाय, ये पूरा निकालने की बजाय मैं इसको कर लेता हूँ, ये ज्यादा बेटर है. तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ. अब ये आ जाएगा स्टूडेंट V across R is equal to, मैंने मान लिया इसको डिनोट कर दिया VR से. सो VR is equal to I naught, I naught की वैल्यू है R into I डिवाइड बाय आर प्लस आर नोट बाय टू इंटू, ये वी आर की वैल्यू है स्टूडेंट, आई नोट की वैल्यू मैंने ये डाल दी. अब इसके बाद इसको आर नोट बाय टू से मल्टीप्लाई कर दो. ओके अब बस इसको सोल्व करना रह गया है. देखिए सो वी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर नोट डिवाइड बाय टू R into R naught divided by 2 into R plus R naught by 2. ओके ये आ जाएगा ये. और I की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, V naught by R into R naught by 2R plus R naught plus R naught by 2, ये वैल्यू थी. ओके अब देखिए इसमें R naught कॉमन आ रहा है, R naught जो कॉमन आ रहा है R naught by 2 इनफैक्ट, सॉरी आर नोट कॉमन आ रहा है. देखिए आर नोट को कॉमन निकाल लेते हैं हम. आर नोट को अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो आ जाएगा आर इंटू आर नोट बाय टू आर प्लस आर नोट. देखिए इसका मैंने एलसीएम ले लिया 2R और नीचे पूरे के 2 आएगा, वो इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा. तो आर इंटू आर नोट बाय 2R प्लस आर नोट इंटू वी नोट बाय R by 2R plus R naught plus, देखिए 1 by 2 बचेगा बस यहाँ पे,
1/2 बचेगा और आर नोट मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, दोनों से कॉमन निकाल लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। आर नोट से ये आर नोट कैंसिल हो गया और इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये ऊपर बनेगा स्टूडेंट आर इन टू वी नॉट डिवाइड बाय, नीचे देखिए क्या बनेगा, 2R प्लस आर नॉट, ये एज इट इज रख दिया मैंने। ओके इसकी बात करते हैं, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 1/2, देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2R प्लस ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2R प्लस आर नॉट डिवाइड बाय, देखिए पूरे की डिविजन में 2 into 2R प्लस आर नॉट, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये 2R प्लस आर नॉट है, ये भी 2R प्लस आर नॉट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2R V नॉट डिवाइड बाय 2R प्लस 2R 4R प्लस आर नॉट। तो ये आपका फाइनल आंसर आया स्टूडेंट, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R इज 2R V नॉट डिवाइड बाय 4R प्लस आर नॉट। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था स्टूडेंट, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी इसमें, उसी में ध्यान रखना है आपको। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बस केवल करंट की वैल्यू निकाली स्टार्टिंग में। कैसे निकाली, पहले मैंने मान लिया कि करंट जो है वो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, आई आई नोट आई माइनस आई नोट, मैंने किरकोफ जंक्शन रूल अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, रेजिस्टेंस को भी डिवाइड कर दिया, मैंने देख लिया हाफ लेंथ के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नॉट बाई टू आर नॉट बाई टू। रेजिस्टेंस डिवाइड करने के बाद फिर मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली आई की, आई की वैल्यू आपके आने के बाद मैंने एक और चीज यहाँ पे अप्लाई की कि इन दोनों को पैरेलल में अगर हम मानते हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप मैंने सेम किया, सेम वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से मैंने आई नोट निकाल लिया। आई नोट निकालने के बाद जो भी इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, जो आर नोट बाई टू के अक्रॉस ड्रॉप होगा वही आर के अक्रॉस होगा, तो आर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट इज आवर आंसर एंड दैट इज आई नोट इनटू आर नोट बाई टू। अब आई नोट की वैल्यू मैंने निकाली थी वो पुट कर दी, फिर आई की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करके आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके okay?